आज के मजेदार से ब्लॉग का करते आगाज। जिसने मेरे चैनल शाम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो दोस्तों आप सिनेमैटिक्स पहले देख लिए होंगे, तो मैं यहाँ पे सो रहा था तो छोटे भाईजान ने मेरे को उठाया कि भैया उठो बाहर हो रही है बारिश। तो मैं जल्दी उठा, मैंने देखा बारिश हो रही, मैंने कहा ब्लॉग बनाया जाए, सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ब्लॉग बनाया जाए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको बाहर बारिश हो रही है, देखिए ये ज़रा आप ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, नीचे दिखाता हूँ चेक करें ज़रा। अरे मैं ज़रा वहाँ परनाले भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए देखिए फुल धमाके था, सुबह सुबह बारिश आया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के मंजर देखिए, सुभान अल्लाह। बाकी मज़ा ही आ गया, सुबह सुबह ठंडा मौसम हो गया है, बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और बारिशें आ गई हैं। तो आज का मतलब काफ़ी मज़ेदार होना है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोल रहे जल्दी आगे सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो। तो उसके अलावा तोतो को मैंने यहाँ ला के रख दिया, मैंने कहा थोड़ा मौसम को इन्जॉय करें, अभी इनको मैं यहाँ पर कर दूँगा ताकि थोड़ा ये भी मौसम को इन्जॉय कर सके। तो दोस्तों वीडियो का इंट्रो कर लेते, वीडियो का इंट्रो नहीं करा। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो का इंट्रो शेंट्रो हो गया, तो बारिश भी अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज और कल लगातार बारिश बताई जाओ, बाकी अल्लाह ने रहम वाले मामलात करे। तो उसके अलावा नाश्ते का टाइम हो गया, तो नाश्ते के टेबल या उर्फ दस्तरखान पे आकर बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा पराठा, मज़ेदार किस्म का, एक चाय कप चाय और अंडा, और ये छोटे भाई ने मुँह छुपा लिया, इधर देखिएगा। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या हुआ आपको? हेलो, आप क्या खा रहे हो? अच्छा कल वाला सालन खा रहे हैं। असल में मैंने खाने थे तो मैंने इसलिए अपने लिए बना लिया अंडा, गरम गरम अंडा। और बाबा जानी यहाँ पे बैठे केक रस और चाय इन्जॉय कर रहे हैं और मोबाइल साथ में चला रहे, अभी इस मोबाइल में न्यूज़ सुन रहे थे। मैंने कहा बाबा जी मेरे को तो फिर क्लिप निकालना है, छोटा था मैं निकाल लूँ, फिर आप आपसे न्यूज़ सुन लेना। तो दोस्तों अब जल्दी से नाश्ता करते हैं, दैन फिर बाकी बातें सुकून के साथ बाद में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने नाश्ता पानी कर लिया, लेकिन उसके अलावा धूप भी थोड़ी बहुत निकल आई है, लेकिन बादल फिर भी उन्होंने बताई तो वही है बारिश, अब देखते हैं क्या होता है। अल्लाह खैर सल्ला। उसके अलावा लाइट अभी तक नहीं आई है, झटका मार के चली गई थी, तो उसके बाद लाइट दोबारा आई ही नहीं है। तो इसके अलावा मैं अभी जा रहा हूँ बिजली का बिल भरने, तो बिल बहुत ज़्यादा आ गया हमारा, समझो जब से इस घर में आया ना आज सबसे ज़्यादा बिल आया। कितने का आया? 13,000, यानी 13,077 रुपीज़, समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा बिल आया है हमारा। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, शायद 2 महीनों का बिल है मेरे ख्याल से, समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना ज़्यादा आया, कोई भी इन्होंने शायद जवाब डाल उनकी भी सेटिंग चेंज करी। मेरे बिल महीने के शुरू में आते थे, अब महीने का सफ़ा आखिर में आया, तो पता नहीं अब क्या चक्कर है इसका। तो उसके अलावा ये वाटर प्रूफ पाउच भी मैंने उठा लिया है, मैंने कहा अल्लाह ना करे कहीं बारिश हो जाए तो मोबाइल मेरे पास होगा सेफ्टी के लिए, मोबाइल को मैं इसमें डालता हूँ, देन आप इसके अंदर डाल के ब्लॉगिंग को अगेन स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी जाते हो, पहले बिजली का बिल भर के आते हो, पानी का केन लाते, पानी का केन जाके ले जाता है, मैं अकेला जा रहा हूँ तो जल्दी जाता हूँ, पहले बिजली का बिल भर के आ जाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस है, मैंने यहाँ पर आके बिल भर दिया है बिजली का, तो मैं घर जा रहा हूँ, देन आप घर चलते हो और फिर पानी केन ले चलते, छाते भाई को घर चले फिर पानी केन लेकर आते हैं। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पे आ गया, तो छोटे भाई जान ये रहे खड़े, अब दिल्ली जाते हैं और पानी की केन लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम पानी लेने आ चुके हैं, ये एक केन भर चुका। तो अंकल सुबह कितनी बारिश आई है? अच्छी बारिश हुई है। अच्छी बारिश हुई है, 2 बजे के बाद फिर बारिश है। अच्छा तो फिर नहाएंगे इंशाल्लाह, फिर नहाओगे सुबह? नहीं सुबह सुबह तो फजर के नहा लिया होगा, ये है कि यू नो सो रहे थे पब्लिक फॉर्म में, एंजॉय करो, मनुष्यत मत छाओ घर के अंदर, बाहर निकलो। अच्छा अभी सुबह के 10 बज गए और सोए पड़े सारे के साथ? नहीं हम तो सुबह फजर का थोड़ी आते हैं, वो आपका मसला अलग है, आपको अपना मालच भी चलाना होता है, आपकी बकरियां आपको सुबह सुबह निकालना होता है। अच्छा अच्छा कहाँ गए? हाँ क्या? अच्छा ये रहा ये रहा तो मैं कुछ और भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको भी देख रहा हूँ। अच्छा जी थैंक यू। नहीं नहीं तू पूरे 50 ले, 10 रुपये वापस आएंगे ईद के दिन, ये इससे 2 नोट चाहिए होंगे तो ये आपको मिलेंगे ईद के दिन, केन ही नहीं लेने आए। ओके थैंक यू। तो दोस्तों अब पानी केन लेते और घर लेके चलते हैं, देन फिर हमारे जो बाकी बकाया काम है वो करते हैं। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पानी केन लेके घर पे आ चुके हैं, पानी केन अपनी जगह पे रख दिए गए हैं। और इसके अलावा अब क्या, अब मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि घर के दोपहर के पकाने के लिए थोड़ा सा सामान लेके आना है जुमेरा से, तो दाल कीमा बनेगा, कीमा भी लेकर आना, और उसके अलावा
हरा कुछ यानी धनिया पुदीना हरी मिर्ची ये भी लेकर आना है और कुछ भी मतलब चीज़ें हैं तो चलते हैं और लेकर आ जाते हैं जो जो सामान हमारे को लेके आना है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आ गया वो सारा सामान लेकर, तो ये मेरे हाथ में अभी बोल रहा हूँ ब्लॉग के बनाया यार कुछ खास हो रहे जो ब्लॉग बनाऊँ। तो ये मौसम की अपडेट है, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है और सामने देखिए कैसे बादल आ रहे हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। तो अब घर पे चलते हैं, देन फिर अब घर पे आते हैं, रेस्ट करते हैं, पढ़ाई पढ़ाई करते हैं, फ्रेश होते हैं, देन फिर बाकी बात सब बाद में करते हैं। और जैसी प्रोटीन होती है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा आज की में अपनी। दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा पढ़ाई कर रहा था तो एकदम से बहुत शदीद किस्म की बारिश आ गई। आप देखिए ओए होए होए अल्लाह खैर, मैं ज़रा अपने मोबाइल को ना ज़रा जो न्यू पाउच ले आके आया ना उसमें डाल देता ताकि ख़राब ना, फिर फुल आपको व्यू करा पाऊंगा मैं, एक मिनट रुकेगा। तो दोस्तों मैंने पाउच में अपना मोबाइल डाल दिया तो फिक्र नहीं है, लेकिन देखिए एक ही मिनट के अंदर रोड पर पानी चलने लग गया। तो ऊपर देखिए एक टुकड़ा था आया, ये टुकड़े की बारिश है, ओए होए क्योंकि तेज़ बारिश ज़रा चेक करें ज़रा, यहाँ पर बेलकनी में पानी आ गया थोड़ा बहुत तो बस बारिश चेक करें ज़रा, ओए होए ओए होए वो देखिए आदमी नहाता हुआ आ रहा है। मैंने अपनी गाड़ी छज्जे के नीचे कर लिया, बचत हो गई, चेक कर लिया बारिश चेक कर लिया, अल्लाह माफ़ करे तूफानी बारिश चल रही है आज। तो जैसा आपको पता है कि किंडर जॉय नाम है ना उसका, किंडर जॉय नाम है तूफान का, किंडर जॉय तूफान का नाम है, तो वो आया हुआ है, अल्लाह बस रहने वाले मामला करे। वो भी समीन दूर सुन रहा था, थोड़ा सा फासला रह गया कराची और उसके बीच में केटी के बंदरगाह पे वही किंडर जॉय के थोड़े बहुत ना जैसे बादल के टुकड़ा भी, ये देखे ये टूटा हुआ बादल अब एकदम से फिर से काला टुकड़ा आ गया, ये फिर से बरसने लग जाएगा और 5 मिनट भी नहीं हुए कि परनाला चलने लग गया। ये साइक्लोन जो आया हुआ अल्लाह रहम वाले मामला करे, इससे सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो उसके अलावा बारिश होती है, अब जैसी भी आइंदा आज की अपडेट होती है। बस आज तो मेरे को अगर मेरा टॉपिक भी वीडियो का यही होने वाला है कि पूरा दिन बारिश में निकल गया, देखेंगे कैसा टॉपिक रखा जाता है, क्योंकि तूफान ही बारिश में आता है। बाकी अल्लाह खैर वाले मामला करे, तो लगता है फुल रूटीन बारिश के साथ हमारी गुजरने वाली है। तो प्लीज़ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब करो, मेरे 53 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसी तरह मजीद प्यार दी का पूरे 100 सब्सक्राइबर तक आपने लेके आना है। तो जल्दी जल्दी मेरा 100 सब्सक्राइबर कराओ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो, और अगर चाहे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। तो दैन फिर बाकी जैसी भी अपडेट होती है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलो दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई शढ़ाई तो चली ही रही है, साथ में ये एमसीयू मैं यहाँ पे बैठा कर रहा हूँ अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी। तो उसके बाद मौसम भी बड़ा कुछ सुहाना किस्म का हो रहा है, फिर से लगता है बारिश का झटका देने लगा, वही 5 मिनट के लिए आई थी बारिश फिर चले गई, अब दोबारा से काले काले बादल दोबारा आ गए, तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो देखते हैं क्या होता है, फिर जैसी भी अपडेट होगी आपके साथ वो शेयर होती रहेगी वक्त वक्त के साथ। तो हाँ जी क्या हो गया, ओ फिर बारिश आ गई है, देखिए अभी मैं आपको अभी मैंने आपको दिखाया था कुछ भी नहीं था और फिर से बारिश शुरू हो गई है। एक मिनट थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, ये देखिए बारिश हो रही है, बस पता भी नहीं चल रहा ऐसी बारिश हो रही है, ओए होए होए बड़ी तेज़ आ गई बारिश, जरा चेक करिए चेक करें कितनी तेज़ बारिश आ गई, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं आज अपनी फ्रंट वाली बेल्कनी मैंने कहा था हवा शवा आए आपको भी दिखाया, साथ में बादल चेक करिए कितने खूबसूरत किस्म के बादल हो रहे हैं और फिर से रोड गीला हो चुका है, रोड की अल्लाह ताला आज सही वाली सर्विस कर रहे हैं, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद अल्लाह बारिश भेजे जा रहे और रोड की सर्विस होती जा रही है। वैसे तो हमारे रोड धुलते नहीं है, अल्लाह अपने बहाने बारिश के बहाने धुलते जा रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ फुल पढ़ाई शढ़ाई हो रही है, 2 दिन बाद मेरा एंट्री टेस्ट है, इसकी भी टेंशन अलग लगी हुई है, घर वाले सुना रहे बातें पढ़ नहीं बेटा तुम यही करता रहे उल्टे सीधे काम। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए मेरे को वो भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा, तो उसके अलावा इस छोटे भाईजान को कोई काम ही नहीं, हेलो भाईजान कोई काम है आपको, क्या कर रहे हो, कौन सी गेम खेल रहे हो, ये चेक करिए पबजी खेली जा रही है, पबजी फ्री फायर पबजी है सॉरी पबजी खेल रहा है। तो दोस्तों इसको खेलने देते और मैं अपने दोबारा उसी काम पे लग जाता हूँ जिस जो पहले कर रहा था। दोस्तों मैंने मोबाइल पक्का पक्का वाटर प्रूफ पाउच में डाल लिया, क्योंकि हवा के साथ बारिश है काफ़ी तेज़ किस्म की, और मैं नीचे आपको दिखाता हूँ ये ज़रा चेक करिए, अब भले पानी आता रहे मोबाइल का कोई डर नहीं, और पानी चलने भी लग गया आगे तक, प्रणाली काफ़ी तेज़ तेज़ चल रहा है सामने जैसा कि सारा देख सकते हैं, फुल बारिश की अपडेट ये जा रही है सर, ये आपने देख ली, अल्लाह माफ़ करे कितनी तेज़ देखे नीचे कितना तेज़ पानी जा रहा है, ये देखिए अल्लाह माफ़ करे चेक करे, ओए होए होए वहाँ देखिए सामने चेक करिए एक मिनट जहाँ दरख्त है कितनी तेज़ है बारिश, ओए होए फुल हवा के साथ, यहाँ देखिए ज़रा सीढ़ियों में पता चलेगा किस तरफ की बारिश है, आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ ये ज़रा चेक करिए अल्लाह माफ़ करे। तो दोस्तों आपको साथ ही साथ अपडेट देता रहूँगा जब कैसी के कैसा यानी मौसम जा रहा है और क्या, एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ आगे आ गया, हाँ मैं कह रहा था जैसी जैसी अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे कि कैसा मौसम जा रहा है और चल रहा है, सॉरी
आज फुल रूटीन ही बारिश में गुजरने आ रही है, मेरे को लग रहा है। तो भी बारिश भाई काफ़ी खतरनाक किस्म की आएगी, अल्लाह माफ़ करे। तो जैसा भी होता है आपको आइंदा अपडेट करते हो, देखिए अल्लाह माफ़ करे। कितनी तेज़ हवा के साथ है, असल में इसके अंदर शायद आवाज़ ना आए हवा की, क्योंकि ये वाटर प्रूफ पाउच के अंदर है, इतनी ज़्यादा यानी कैच ना कर पाए। लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो देखिए देखते आते आगे क्या बनता है। तो दोस्तों पौने घंटे की लगातार बारिश होने के बाद भी आखिर बारिश रुक चुकी और सूरज भी निकल आया है। सूरज अपना थोड़ा सा मुखड़ा दिखा रहा है, लेकिन बादल उसी तरह हैं ऊपर, और देख सकते हैं कि बारिश सारी की सारी रुक गई है। लेकिन सड़कें धुल चुकी हैं सारी की सारी, और दरख्त भी साथ में। तो अभी ये अपडेट है, पौधे शौधे को मैंने सुबह में पानी दे दिया था, बाकी इस पौधे को इंशाल्लाह गायब करने वालों भाई इसका रखने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है इस पौधे को। तो उसके अलावा बस ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि बारिश रुक चुकी है पौने घंटे का, लेकिन फिर से आइंदा थोड़ी देर बाद फिर बारिश बताई हुई है वेदर अपडेट के मुताबिक। तो देखी जाएगी जो भी होगा। तो उसके अलावा अभी क्या करते हैं, आप वीडियो भी एडिट कर लेते हैं, सारी की बैठने में लाइट भी नहीं है, तो वीडियो हमारी जो रहती है वो एडिट कर लेते हैं, फिर बाकी बातें बात के बाद में सुकून के साथ कर। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की सुविधा को रखते हैं एक साइड पे, तो आप ही बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए बोला आपको भी नहा दोगे फ्रेश होके आ चुका है। तो उसके अलावा खाने का टाइम हो चुका है, तो मौसम भी अभी सेट है, बस बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश आ रही है जा रही है, यही चल रहा है, आँख में चलिए अल्लाह काम। तो उसके अलावा खाने का टाइम हो गया, दस रात बीच गया, तो आज खाने में क्या बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह आलू का पुलाव, और साइड में है रायता, और साथ में अचार, और छोटे भाई जी हमारे सामने बैठे हैं। तो अब जल्दी से आपको थोड़ा रिव्यू शिव्यू भी देते हैं कि आज की बिरयानी कैसी बनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, तो आपको रिव्यू दे लेते हैं पहले। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको रिव्यू शिव्यू तो दें, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आलू थोड़ा सा हमने कतली ले ली आलू की, तो साथ में हमने थोड़ा सा ले लिया रायता, तो ये एक हैवी किस्म का नवाला हो गया तैयार। ज़रा ये फुगा चेक कर लिया जाए, तो अपना आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ हाँ स्वाद ही आ गया। तो अब यार समझा करो ब्लॉगिंग करता हूँ साइड पे, पहले खाने की तरफ फोकस हो जाता है, भूख बहुत दबा के लग रही है। तो जल्दी जल्दी अपना दोपहर का लंच इंजॉय करते हैं, फिर बाकी बातें सकून के साथ बात में करते हैं। और मेरे को अभी वीडियो एडिटिंग भी करनी है, थंबनेल बना चुका हूँ, तो वीडियो एडिटिंग करनी है। तो अभी तक इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना।